मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए कई निर्णय लिए गए हैं। सरकारी कार्यालयों में भीड़ खत्म करने के लिए कर्मचारियों को घर से काम करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही प्रदेश सरकार ने कोरोना का मुफ्त इलाज किए जाने की घोषणा की है। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। इसके अलावा यूपी में सभी परीक्षाएं प्रतियोगिता की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। साथ ही स्कूल कॉलेज और सिनेमा घरों के बंद रहने की तारीख को और आगे बढ़ा दिया गया है। मतलब अब यूपी में 2 अप्रैल तक स्कूल और कॉलेज और सिनेमा घर बंद रहेंगे। सभी धरना प्रदर्शनों पर सरकार ने रोक लगा दी है। बैठक में मुख्यमंत्री ने कोरोना पर केंद्र सरकार की एडवाइजरी का 100% पालन करने को कहा है। साथ ही प्रदेशवासियों से भीड़भाड़ में जाने को बचने की अपील की है। प्रदेश के सभी पर्यटक स्थल 31 मार्च तक बंद रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलाधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों के अंदर पोस्टर और बैनर लगाकर जागरूकता के अभियान को और तेज किया जाए, स्थापित करें और सबसे अपील करें, सबका सहयोग लें कि जो महामारी है इससे हम अपने प्रदेश को कैसे बचाएं, उसमें सभी का सहयोग बहुत ही आवश्यक है। हमारे देश में अभी स्टेज 2 में कोरोना वायरस की स्थिति है और स्टेज 3 हमारे यहां ना हो, इसके लिए ये अभियान तेज गति से चले, ये अपेक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रकट की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और अहम फैसला लिया है, क्योंकि जिस तरह से ये सभी जो गतिविधियां हैं इन पर रोक लगाई गई है, तो जो गरीब है जिसको हर दिन वो रोजी रोटी के लिए निकलता है, उसको कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में माननीय कृषि मंत्री जी और माननीय श्रम मंत्री जी 3 लोगों की एक कमेटी बनाई है। तो गरीबों का भरण पोषण सुनिश्चित हो, उसके लिए ये कमेटी 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत करेगी और उसके आधार पर कि जो सभी हमारे जो गरीब लोग हैं, जो हर दिन कमाते हैं, हर दिन खाते हैं, उनके खाते में आरटीजीएस के माध्यम से कुछ अमाउंट ट्रांसफर हो, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी मंशा प्रकट की है। जो पहला बिंदु जो है वो जनपद फतेहपुर में नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु निःशुल्क भूमि भारत सरकार के पक्ष में हस्तांतरण किए जाने के संबंध में है। ये जो जमीन है ये ग्राम मधुपुरी परगना तहसील फतेहपुर में है। ये 5.37 एकड़ है, 5.37 एकड़। तो ये केंद्रीय विद्यालय के लिए निःशुल्क जमीन हस्तांतरण की जा रही है। दूसरा जो मत है वो जनपद गोरखपुर में एक क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला जो फोरेंसिक के लिए होता है वो बन रहा है। उसके अंदर जो क्लास B श्रेणी से उच्चीकृत कर क्लास A श्रेणी करा जा रहा है के जो निर्माण कार्य से संबंधित जो द्वितीय पुनरीक्षित परियोजना प्रस्ताव को स्वीकृत के संबंध में। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.